किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हवा की तरह होती है मुसीबतें, हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी ही खिड़की बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोटिवेशन का डोज सीरीज़ का पार्ट 3। तो अगर आप भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं किसी और की कंपैरिजन में, तो ये वीडियो और ये मोटिवेशनल स्टोरी आज खास आपके लिए है। तो एक बार एक बच्चा घर पर अपने पापा से ज़िद कर रहा होता है कि पापा मुझे डॉगी लेकर आना है, मुझे एक पपी लाना है जिसके साथ मैं पूरा दिन खेल पाऊँ, जो मेरा दोस्त बनकर पूरे दिन मेरे साथ रहे। पर घर वाले तो घर वाले होते हैं, घर वालों ने मना कर दिया और ऊपर से डांट भी दिया कि बेटा ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं तुमको, कहाँ से ये शुरू कर दिया कि पपी लाना है पपी लाना है, एग्ज़ाम का टाइम है, जाके पढ़ाई करो, और नहीं पढ़ना तो बाहर ऐसे दोस्तों के साथ खेलो, पपी लाने का शौक कहाँ से आ गया, जाओ चुपचाप कमरे में। लेकिन भाई ये बच्चा भी कम कलाकार नहीं था, इसने मन में सोच लिया था कि डॉगी तो लेके आऊँगा, कैसे भी लाऊँगा, पर पपी तो लाऊँगा ही अपने लिए। तो अब उसने अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया, अपने पिगी बैंक में थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू किया, और जब काफ़ी टाइम बाद उसको लगा कि अब मेरे पास उतने पैसे हो गए होंगे, तो उसने वो पिगी बैंक खोल कर देखा और फाइनली उसमें उसको 1000 रुपये मिले। तो थोड़ी हिम्मत करके वो मार्केट की तरफ गया, वो 1000 रुपये लेकर उसने सोचा चलो डॉग स्टोर पे जाके आता हूँ, देख के आता हूँ, क्या पता मुझे एक पपी इसमें मिल ही जाए। तो फाइनली जब वो मार्केट पहुँचा तो उसने देखा कि यार रेट लिखे थे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, उसे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या अब, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये हैं। लेकिन फिर भी कुछ सोच के वो गया डॉग ओनर के पास। वो बच्चा उस शॉपकीपर से बोला कि देखो अंकल अभी 1000 रुपये मेरे पास, पर आज ना मैं खुद से वादा करके आया हूँ कि एक पपी तो अपने साथ ले जाऊँगा ही ले जाऊँगा। तो वो अंकल भी देख रहे थे कि यार इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो उसने उससे प्यार से बोला कि बेटा आप घर जाओ, आप प्राइस लिस्ट लिखो, 10,000, 12,000, 15,000, उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, आप कैसे 1000 रुपये में सोच रहे हो कि हम आपको पपी दे दें, आप अभी घर जाओ किसी बड़े को लेके आना। पर वो तो भाई ज़िद्दी बच्चा था, उसको उस दिन पपी चाहिए था तो मतलब चाहिए ही था। उसने इतनी ज़िद्द करी कि दुकानदार को उसको कैनल्स के पास ले जाना ही पड़ा। तो फाइनली जब वो उसे कैनल्स के पास ले गया और उसने सारे कैनल्स खोले, तो उसमें से बहुत सारे पपीज़ निकल के बाहर आए, कुछ 4-5 के करीब थे। तो उसमें से 4 तो आगे जल्दी जल्दी जा रहे थे और एक बहुत स्लो पपी जा रहा था। तो उस बच्चे ने उस स्लो वाले पपी को ध्यान से देखा और पूछा कि अंकल ये पपी इतना स्लो क्यों जा रहा है। तो उस पे शॉपकीपर ने बोला कि बेटा एक्चुअली हमने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इस पपी का ना हिप सॉकेट नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, ये बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा लंगड़ा के भी चलता है और ये खेल भी नहीं पाता इतना। उस बच्चे ने ज़िद की कि मुझे ना यही वाला पपी चाहिए, मुझे आप यही पपी दे दो। दुकानदार बहुत हैरान हुआ, दुकानदार ने सोचा कि यार इतने अच्छे अच्छे पपीज़ हैं जो भाग रहे हैं खेल रहे हैं, इसको यही वाला पपी चाहिए जो इतना स्लो चल रहा है और लंगड़ा के चल रहा है। तो उसने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो ये आपके साथ खेल भी नहीं पाएगा, आप इसको घर ले जाओगे कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसा करो इसको तो आप ऐसे ही ले जाओ, इसके साथ एक और पपी ले जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। तो उस बच्चे ने बोला नहीं 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 मुझे यही वाला पपी चाहिए। तो उस दुकानदार ने बोला क्या पागलपन है बेटा, आप इसके साथ नहीं खेल पाओगे, इसको ले जाके क्या करोगे, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये ले जाओ एक और ले जाओ, आप चिंता मत करो पैसे की, बाद में मुझे दे देना। तो उस बच्चे ने उसे ज़िद की मुझे यही वाला पपी चाहिए और इसके जितने पैसे बनते हैं ना आप मुझे बता दो, अभी मैं 1000 दे रहा हूँ, बाकी मैं कैसे भी लाऊंगा पर इसके सारे पपी के पैसे आपको दे के जाऊँगा और उतने ही दूंगा जितने की और पपी इसके बनते हैं। तो उस शॉपकीपर को कुछ समझ नहीं आया, बच्चे ने बोला अच्छा आप मेरे साथ एक मिनट बाहर चलिए। वो उसको बाहर लेके गया और काउंटर पे जाके थोड़ा सा पीछे हट के उसने अपना लेफ्ट लेग उस शॉपकीपर को दिखाया। तो उस दुकानदार की भी आंखों में आंसू आ गए जब उसने उसका लेफ्ट पैर देखा, वो भी डिसेबल था, वो पूरा सपोर्टेड था एक मेटल रॉड पे। तो उसने जब वो देखा उसकी आंखें नम हो गई और अब उसे समझ आया कि फाइनली वो उस पपी के लिए क्यों इतना बोल रहा था। तो वो बच्चा अपना लेफ्ट लेग उस दुकानदार को दिखा के बोला कि मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, वो भी इस डिसेबिलिटी के कारण। तो जब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता तो मैं इस पपी को कैसे कमज़ोर समझ सकता हूँ, और मैं इस पपी को यही फील कराना चाहता हूँ कि इसकी भी कीमत और अहमियत उतनी ही है जितनी बाकी की पपीज़ की है। तो याद रखिए कि इंसान कमज़ोर अंदर से होता है, बाहर के चैलेंजेस से ज़्यादा आप खुद अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि आपको कमाल करना है,
तो चाहे आप धीरे धीरे ही करें, आप कमाल करके दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। बाय बाय।